नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ लेकर। मोतिहारी में जहां एक और कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर परेशान हैं, वहीं कोटवा पीएचसी का हाल बेहाल है। अत्यधिक बारिश व जलजमाव के कारण चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गया गई। इन्हीं 28 से पीएचसी तक 200 मीटर तक सड़क पर पानी लग गया है। सड़क पर जमे पानी के कारण स्वास्थ्य कर्मियों के साथ इलाज कराने आए मरीज भी परेशान है। जो मरीज चले भी गए उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आर के तिवारी ने अपनी विवशता बताते हुए कहा कि मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में नहीं ग्लव्स है, नहीं मास्क और न अस्पताल को सैनिटाइज करने की व्यवस्था है। कोरोना में विटामिन सी, कैल्शियम आदि की आवश्यकता है, परंतु अस्पताल में यह कुछ भी नहीं है। डॉक्टर की माने तो अस्पताल में बिना ग्लव्स व मास्क के इलाज करने में डर लग रहा है। वहीं मुख्य द्वार तक बरसात का पानी घुस जाने से डॉक्टर से लेकर मरीज तक को परेशानी हो गई है। कि आपके हाथ में ग्लव्स नहीं है, N95 का मास्क है लेकिन ओरिजिनल मास्क नहीं दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ इलाज करने में क्या तकलीफ आ रही है? तकलीफ में ही हम लोग इलाज कर रहे हैं। न ग्लव्स है, न मास्क है, न सैनिटाइजर है, और नहीं सैनिटाइज किया जाता है। यहाँ पर रास्ते में आप देख रहे हैं कि इतना पानी है कि घुटने तक पानी ढेल के तो हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जूता वगैरह हाथ में लेके चलना पड़ता है। मरीज का भी आने में उसी तरह से परेशानी है, इसी के चलते मरीज कम भी आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में काम करना, तो अपने पर जोखिम लेके आदमी काम कर रहे हैं, तो अपने पर जोखिम लेके काम करने में अगर किसी के सर पर तलवार लटकता हो तो इलाज क्या करेगा, कितना करेगा? इसके बाद भी इसका इलाज नहीं है, हमारे यहाँ भी टेस्ट नहीं है। और सुने हैं कि पीएससी लेवल पर भी टेस्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात अभी नहीं।